छात्र नेताओं का छात्र संघ है, तो मैं आपको बता दूं कि दिमाग से निकाल दीजिएगा, छात्र संघ छात्रों की सुरक्षा कवच, यानी हर एक आम छात्र का छात्र संघ है। तो इसलिए आप सभी छात्र संघ को लेकर भी आगे आइए, आपकी हर लड़ाई जीती गई है, छात्र संघ भी आपका बहाल होगा। क्योंकि यहाँ पर जो भी साथी हैं, मैं बताया आपको, मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि इस बार मेरा LLM फाइनल ईयर है, हो सकता है कि इसके बाद मैं दाखिला विश्वविद्यालय में ना पाऊँ। पानी मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर योग्यता नहीं है, इस धरने पर बैठ के मैं LLB क्वालिफाई किया, धरने पर बैठ के LLM जो भी 40 सीटें हैं, LLM इंटरेस्ट टॉपर रहा धरने पर ही बैठ के। तो हम लोग पढ़े लिखे भी लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, जो छात्र नेता होते हैं वो पढ़ लिख कर भी आपकी लड़ाई लड़ते हैं। हाँ, बस यही बात है कि छात्र नेता आपकी लड़ाई लड़ते लड़ते अपराधी हो। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित सभी बड़े भाइयों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि जो कल हम लोगों ने लड़ाई जीती है उसमें हमारे सभी बड़े भाइयों का सहयोग है, और इस छात्र संघ की यूनिटी के जितने भी लोग हैं सभी का मैं फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो है हम लोग ये जीत हासिल कर पाए हैं। और मैं CMP का छात्र हूँ, और लगातार अपने बड़े भाइयों के इस जोश को देखकर यहाँ पर जितने भी दिन धरने चले हैं, 43-44 दिन में लगातार यहाँ पर आता था, और अपने भाइयों के जोश को देखकर हमारे अंदर जो जोश आया था उसे यहाँ पर और CMP में सारे छात्रों के अंदर उसको जागृत किया हूँ, और उसके बाद छात्रों के साथ मिलकर कल हम लोगों ने जो जीत हासिल की है वो इतिहास में अमर रहेगा और हमेशा छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। हमारे सम्राट भाई जो कि भी इस छात्र संघ बहाली के एक कह सकते हैं महानायक के रूप में है, क्योंकि इतने दिनों से हमारे साथ ये बने हुए हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन हमारे छात्र जो है अभी इनका साथ नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, गुजारिश करूँगा कि हमारे सभी साथी इस छात्र संघ बहाली को लेकर यहाँ पर आएँ, और छात्र संघ बहाली को जल्द से जल्द हम लोगों को बहाल कराना पड़ेगा, क्योंकि आज जो हम लोगों के सामने ये परेशानी आई है, जो हम लोग अपनी पढ़ाई छोड़कर यहाँ लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, अगर साथ छात्र संघ होता तो ये हम लोगों की यहाँ पर जरूरत नहीं होती, और हमारे बड़े भाई खुद जो है इस पर डिसीजन अपने तरफ से लड़कर और हम लोगों को डिसीजन देते। ये मैं जानता हूँ कि हमारे जो भी बड़े भाई हैं वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन जब तक हमारा छात्र संघ भंग है, ये छात्र किसी भी काम के कह सकते हैं इनके पास वो पावर नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी हमारा सहयोग करें और अपने बड़े भाइयों का साथ दें ताकि छात्र संघ बहाल हो सके, क्योंकि जब तक छात्र संघ बहाल नहीं होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के समस्त छात्र जो है उनको एक तरीके से अपंग के रूप में देखा जाता है, क्योंकि हमारा जो छात्र संघ है वही भंग है। अगर हम कहीं जाते हैं तो जिस विश्वविद्यालय के नाम से हम जाने जाते हैं यही कहा जाता है कि आपका छात्र संघ ही भंग है, आपकी यूनिटी नहीं है तो आप किस संघ से हैं, हमारी कोई पहचान नहीं रह गई है। तो हमारी पहचान बनाने के लिए ये छात्र संघ जरूरी है, हमें अपनी लड़ाई लड़ने के लिए छात्र संघ जरूरी है, अपने बड़े भाइयों का सहयोग कीजिए, और हो सके तो अभी आइए और हम लोग लगातार यहाँ जब तक हमारा छात्र संघ भाई नहीं होगा, आज से ही धरने पर बैठे हैं और फिर से स्टार्ट कर दिए इसे, क्योंकि अभी जब तक हमारे बड़े भाई वहाँ सहयोग किए हैं तब तक यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम नहीं हो पाया, कोई भी सूचना अब तक नहीं पहुँच पाई, यहाँ पर जो है इसे पोस्टपोन कर सकते हैं कर दिया गया था, क्योंकि एक लड़ाई दो लड़ाई साथ नहीं लड़ी जा सकती है, इसलिए हम लोग एक लड़ाई लड़े उसको जीते हैं, और उससे जो भी हमें हौसला मिला है, जो भी हमें मजबूती मिली है, इससे कहीं ना कहीं हमें सीख मिलती है कि अगर हम चाह लेंगे तो पर्वत को भी झुका देंगे। तो फिर ये BC जो है वो अब उनके बारे में मैं क्या कहना चाहूँ, अब वो आप लोग कल देख लिए हैं कि जब वो मजबूर हो सकते हैं जो कि अपने गुमान में हम लोगों से अभी तक मिलने नहीं आए हैं, लेकिन निर्णय उनको भी बदलना पड़ा, तो फिर छात्र संघ क्यों नहीं बहाल हो सकता है। और अगर आप लोग चाहेंगे तो जरूर एक दिन वो भी आएगा कि हम सब मिलकर छात्र संघ को बहाल कराएंगे, और ये पूरा छात्र देखेगा कि छात्र संघ बहाल होगा, और इसके लिए हम सब मिलकर बहाल कराएंगे जो भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि आज हम लोग जिस खुशी में हैं उसी खुशी के साथ लड़ेंगे, और खुशी के साथ अगर आप लड़ेंगे तो जरूर आपको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि गम में कोई लड़ नहीं सकता है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप खुशी के साथ लड़िए। और अभी मैं CMP से ही आ रहा हूँ, तो हमारे जो भी साथी CMP के हैं मैं यही चाहता हूँ कि CMP का अगर मैं नेतृत्व कर रहा हूँ तो हमारे सभी साथी से CMP के जो हैं यहाँ पर आएँ और धरने में उपस्थित हों, अगर उन तक मेरी बात पहुँच रही है, और नहीं भी पहुंच रहे हैं तो मैं CMP में अभी गया था फिर जाऊंगा यहां से उन तक अपनी बात को पहुंचाऊंगा,
जो भी सूचनाएं हैं छात्र संघ के बारे में वो सब तक पहुंचाऊंगा। यही चाहूंगा कि हमारे साथी मिलकर यहाँ पर आए और छात्र संघ को जल्द से जल्द बहाल कराएं, क्योंकि जो परेशानियां हमने देखी है हम नहीं चाहते हैं कि आगे भी हमारे साथ वही परेशानियां हो, क्योंकि छात्र पढ़ नहीं पाया है, छात्र धरना देगा तो फिर पढ़ेगा कौन। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे जो भी नेतृत्वकर्ता है वो लगातार इस छात्र संघ को बहाल कराकर हमारे साथ जैसे बने हैं वैसे ही बने रहेंगे। इसीलिए मैं अपील करना चाहूँगा कि आप सभी आइए, और छात्र संघ जरूरी है, क्योंकि अगर हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा तो छात्र संघ ही लड़ता है। कोई आम छात्र यहाँ आपने देख ही लिया है कि कितने दिनों तक लड़ने आए हैं, एक दो दिन की लड़ाई नहीं है। अगर एक दो दिन की लड़ाई होती तो कब का बहाल हो चुका होता। और जब जीत सामने हो तो हर कायर भी लड़ सकता है। अगर आपके सामने जीत रख दिया जाए तो एक कायर भी जो होगा वो लड़ेगा, लेकिन जब आपके सामने एक पहाड़ हो और जीत का कोई आशा न हो तो कोई हिम्मती पुरुष ही होता है और हिम्मत वाला ही होता है जो उस जीत को जीत बनाता है। इसलिए मैं यही उस हार को अपने जीत में परिवर्तित करता है। इसलिए मैं यही चाहूँगा, हमारे सम्राट भाई हम सबका बहुत सहयोग किए हैं और आप सभी भी इनका सहयोग कीजिए और छात्र संघ को जल्द से जल्द बहाल कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का कि आप सभी हमारी बातों को सुने हैं। अब सम्राट भाई को मैं माइक दूंगा, वो अपनी बातों को रखेंगे। सम्राट भाई का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी छोटे भाई, हरिओम जी भी हमारे बीच होंगे और आपको भी इसकी हिफाजत करनी होगी। साथियों, छात्र संघ ऐसा नहीं, छात्र संघ यहाँ पर देखा जाए तो छात्रों की नहीं, जो विश्वविद्यालय का छात्र भी नहीं है, यदि ठेला खुंचा लगाने वाला भी कर्मचारी है, अगर उसके साथ भी अगर अन्याय होता है तो छात्र संघ हमेशा खड़ा रहता है। हमारे बीच यहाँ पर सुरक्षा कर्मी है, ये सब आर्मी के आदमी हैं, लेकिन यही रतनलाल हागलू हुआ करते थे, इन सबको भी हटाने का पूरा सिस्टम बना दिए थे। जो प्राइवेट लोगों को रखते 15,000 पर और उनको मात्र 6,000 रुपए देते और सारा पैसा जेब में डालते। ये सब आर्मी है, इनसे एक रुपए नहीं हट पाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पर गेट में खड़े होते किसी छात्र से एक रुपए की उम्मीद नहीं करते होंगे। आपकी मदद करते हो, देश सेवा करके आए हुए हैं, तो छात्र संघ की देन है। साथियों, आप छात्र संघ से क्या उम्मीद करते हो? छात्र संघ आखिर क्या करता है? छात्र नेता साहब क्या उम्मीद करते हैं? मैं बताता हूँ आपको, छात्र नेता से आप जितनी उम्मीदें करते होंगे उससे कहीं ज़्यादा खर्च करता होगा छात्र संघ। आपके लिए क्या नहीं किया कोरोना काल में, जब विश्वविद्यालय को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया कि यहाँ पर सैनिटाइजेशन की मशीन की व्यवस्था की जाए, फॉगिंग की व्यवस्था की जाए, हेल्प डेस्क बनाया जाए कोविड सेंटर का, और डिग्री कॉलेजों में बनाया गया, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो नकारा विश्वविद्यालय प्रशासन ने सुनने को तैयार किया, पूरा कैंपस बंद था, साइंस फैकल्टी की सभी लैब बंद थे, क्लासें बंद थी, लेकिन विश्वविद्यालय में पिक्चर शूटिंग हो रही हजारों की तादाद में। और मैं बता दूं, विश्वविद्यालय जो प्रशासनिक अधिकारी हैं किस तरीके से अपनी कुर्सी सुरक्षित रखें उसको लेकर किसी विशेष पार्टी के लोगों को बुलाकर मीटिंग करते हैं, भोजन का प्रोग्राम होता है, सैकड़ों की तादाद में भोजन करते हैं। उस समय कोरोना का पूरा प्रोटोकॉल खत्म हो जाता है, लेकिन जब आम छात्र आता है कहते हैं कि कोरोना फैल जाएगा। साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश में कोरोना काल में जब 10,000-20,000 डेड बॉडी पर डे आपको देखने को मिल रही थी, उसमें भी शराब का ठीका खुला हुआ था। सिर्फ इनको दिक्कत है इस शैक्षणिक संस्थानों पर, क्योंकि इनको पता है कि शैक्षणिक संस्थानों पर यदि छात्र आवाज उठाएगा, गलत नीतियों का विरोध करेगा, तो हम उसको झेल नहीं पाएंगे। इसलिए इन्होंने ये कोरोना का हवाला देकर विश्वविद्यालय को ही बंद कर दिया। और नहीं, कहीं ना कहीं बहुत कठिन तपस्या भी की गई, हरिओम तो साक्षात गवाह है कि लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन जब 2021 में एक कोरोना काल था, मार्च में ही विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया, उसके बाद जब मई आता है तो ये सोचे कि अब विश्वविद्यालय खुलेगा, मई जून जुलाई जैसे मंथ में यहाँ पर कोई नहीं था, कोई दिन ऐसा हुआ करता था कि अकेले बैठना पड़ता था और वर्षा होती थी, वर्षा में भीगते हुए बैठना पड़ता था। सोचिए आप, आपके घर में भी माँ बहन होंगे, भाई होंगे, आपके घर में बहन है कि नहीं, सबके घर में बहन, मेरी भी इकलौती बहन है, मैं 3 सालों से भी अपने हाथ में कलाई नहीं बनवाया हूँ, रक्षाबंधन भैया दूध जैसे पर मैं धरने पर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा कोई ईगो है या तो मुझे कुछ यहाँ पर हासिल होगा, सिर्फ आप लोग की लड़ाई लड़ने के लिए। शायद मैं आज हट गया
तो मुझे नहीं लगता है अगर यह आंदोलन शासन न बहाल करा पाया भविष्य में यहाँ पर शासन बहाल होने वाला नहीं। इसलिए आप सभी साथ आइए और छात्र संघ को अपनी जागीर मानिए, लेकिन छात्र संघ के लिए आप सभी छात्र संघ नहीं रहेगा तो स्थितियाँ ऐसी ही बनी रहेंगी। विश्वविद्यालय प्रशासन क्या 2 लाख 2.5 लाख सैलरी पा रहे हैं, उनको क्या दिक्कत, उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं उनको क्या दिक्कत, जो रिसर्च स्कॉलर हैं उनको जाकर वो अपने क्लास में भेज दें, जाइए क्लास लेके आइए। और अभी एक RTI के माध्यम से उनको जानकारी हुई जो इलाहाबाद के चीफ प्रैक्टर हैं, ये 2 सालों से कोई भी क्लासें नहीं ली। अरे भाई आप क्लासें नहीं तो पेमेंट किस लिए ले रहे हैं? आप पहली प्राथमिकता तो आप शिक्षक है ना, जो आप वेतन पा रहे हैं शिक्षक का पा रहे हैं ना कि प्रैक्टर का पा रहे हैं, वो तो आपको अलग सैलरी मिल रही बढ़ के मिल रही है, लेकिन जो पूरा पेमेंट आप पा रहे हैं शिक्षक का पा रहे हैं, आपने 2 सालों से क्लास नहीं ली है। अब इस पर अभी बात किया जाए, बात कौन करेगा? आपका छात्र करेगा। यहाँ पर लाइब्रेरी सुचारू रूप से कैसे चले, नई किताबें कैसे आए, कंपटीशन की किताबें कैसे आए, ये बात कौन करेगा? छात्र करेगा। यदि विश्वविद्यालय में वाटर कूलर, मैं बता दूं आपको, लड़के हैं जो छात्र हैं वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अगर उनको हॉस्टल से बेदखल कर दिया जाए रोड पर सो जाएंगे। लेकिन सोचिए कोरोना काल में जब बहनों को हॉस्टल से बेदखल कर दिया गया, बहनें दोपहरिया में और अपने मुंह में मास्क बांधकर रूम तलाश रही थी, वो तपतपाती धूप में, वो दौर मैं देखा हूँ। और विश्वविद्यालय को जो महिला छात्रावास है कारागार में तब्दील कर दिया गया, 4 महीने से पूरे महिला छात्रावास को बंद कर दिया गया। और वहाँ पर जब जो बहनें हैं वो फोन करती थी कि भैया यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, ठीक है विश्वविद्यालय प्रशासन लोग ऐसा इस तरीके से मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, भोजन न दें ठीक है हम लोग 10-15 दिन जी लेंगे, यदि पानी नहीं देंगे तो हम लोग कैसे जिएंगे। उस समय में विश्वविद्यालय प्रशासन को जब ज्ञापन दिया कहने कोरोना ही विश्वविद्यालय बंद है, मैं कुछ नहीं कर सकता, उन सबको ही जाएगा चले जाए। विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लोग पढ़ते हैं, दूर दराज के छात्र छात्राएँ आते हैं, कोई उत्तराखंड का था तो कोई बिहार का था, कोई राजस्थान से था, कोई झारखंड से था। अब बताइए जब संसाधन है तो छात्र कैसे जाएगा। लेकिन विश्वविद्यालय का अगर यह कहा गया कि सर आप व्यवस्था करा दीजिए साधन के, कि साधन के द्वारा घर चले जाएं, चाहे वो हमारी जिम्मेदारी नहीं। अभी हाल ही में छात्र आया कि सर मैं गया था क्लास करने, शिक्षक से कहा कि सर जरा तेज बोली आवाज़ नहीं सुने, तो कहें कि जैसे मैं बोल रहा हूँ सुनना सुनो जाओ करना था। ये लैंग्वेज है विश्वविद्यालय प्रशासन के, यहाँ के जो शिक्षक हैं। और मैं यही की बात नहीं कर रहा हूँ, तभी विश्वविद्यालय यह है कि यहाँ पर आंदोलन चल रहा है, यह आंदोलन की क्रांति जली हुई है, इस वजह से शिक्षक अपने राइट टाइम पर है। लेकिन आप चले जाइए श्यामा प्रसाद मुखर्जी में ईश्वर सन डिग्री कॉलेज में चले जाइए, वहाँ का कर्मचारी आपसे कैसे बर्ताव करता है, आप वहाँ किसी दिन घूम के आइए तब मुझे बताइएगा। ये इसका कारण छात्र संघ ना होगा, छात्र संघ होता सब अपने राइट टाइम पर रहते, इसलिए छात्र संघ को लेकर आप सभी आगे आइए। आपकी सारी मांगें पूरी हो गई हैं जो भी मांगे थी, मात्र एक ही मांग है छात्र संघ, अब छात्र संघ को लेकर आप सबको आगे आना पड़ेगा। और इसमें से जो भी अजय बोलेंगे क्या?